हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम जा रहे हैं द्वारका, भीमराणा मोगल माँ के मंदिर है वहाँ पर। बाद में हर्षद जाएंगे सुबह के 3:30 बजे और हम निकल पड़े बाइक में। हम कब से प्लानिंग कर रहे थे वहाँ पर जाने का, आज जाकर सक्सेस हुआ है हमारा प्लान, क्योंकि कोरोना की वजह से हम बाहर नहीं निकल सकते थे। वैसे तो हम राइडिंग करते रहते हैं बाइक पर, और पिछले 8-10 महीने से हम नहीं जा पाए थे कोरोना की वजह से, इसलिए आज हम जाएंगे भीमराणा जाएंगे। पहले मोगल माँ के दर्शन करेंगे, वहाँ से द्वारकाधीश के दर्शन करेंगे, बाद में हर्षद माता जी के दर्शन करेंगे। तो बाय फ्रेंड्स, अभी अंधेरा है इसलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाय फ्रेंड्स, सुबह के 5 बजे और हम पहुंच चुके हैं पोरबंदर। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, एक रास्ता पोरबंदर जाता है और ये एक नया बाईपास निकला है। ये जो रास्ता है वो पोरबंदर को जाता है और ये है वो बाईपास जाता है, वो द्वारका डायरेक्ट निकल जाता है। मौसम बहुत बढ़िया है, देखो बहुत मजा आ रहा है। नहीं फ्रेंड्स, सूरज निकल चुका है लेकिन ठंड अभी उतनी ही है, ठंड के मारे कांप रहा हूँ मैं पूरा, ठंड के मारे कांप रहा है, हाथ भी कांप रहे हैं फ्रेंड्स मेरे, उतनी ठंड है। रोड बहुत मस्त है फ्रेंड्स, एक भी गड्ढा नहीं है। अब चाहो उतनी चला सकते हो रोड पे। इधर फ्रेंड्स नारियल का वावतर है, हमारे तरफ तो बहुत होती है नारियल लेकिन इस तरफ नहीं होती है। इसका विकास भी देखो बहुत अच्छा नहीं है, इस साइड का वातावरण इसको नहीं रजता, बाकी तो खाली खाली पड़ा है फ्रेंड्स और कुछ नहीं है। कैसे हो आप सब लोग? हमें जाना था भीमराणा मोगल माँ के मंदिर पे वहाँ पर, लेकिन हमारे रिलेटिव की यहाँ थोड़ा सा सेलिब्रेशन था, प्रसंग था, इसलिए हम नहीं जा पाए वहाँ पर। और टाइम भी बहुत कम बचा है हमारे पास, क्योंकि शाम होते होते हमको घर पहुँचना है, इसलिए अब द्वारका मंदिर के भी दर्शन अंदर से नहीं करेंगे, बाहर बाहर से ही कर लेंगे। और
स्पेशल उसके ध्वजा के दर्शन हम आप सबको भी कराएंगे। फ्रेंड्स, उसकी ध्वजा का दर्शन ही मेन महत्व का है, अंदर करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपकी श्रद्धा है। लेकिन उसकी जो ध्वजा होती है उसका दर्शन बहुत महत्वपूर्ण है, और एक दूसरी जगह भी दिखाऊंगा, लेकिन जा नहीं पाएंगे। प्लान था हमारा वहाँ पर जाने का, लेकिन अब जा नहीं पाएंगे क्योंकि टाइम अभी 3 बज चुके हैं, दोपहर के 3 बज चुके हैं, इसलिए जा नहीं पाएंगे वहाँ पर भी। श्री कृष्ण मंदिर का जो द्वारका मंदिर है उसका दर्शन किया, चार धाम की यात्रा में आता है वो मंदिर, और अपने रुक्मणी जी के जो मंदिर है उसका दर्शन नहीं किया, तो चार धाम की यात्रा आपकी अधूरी रह जाती है। कई लोगों को पता है लेकिन कई को पता भी नहीं है कि ऐसा होता है, इसलिए आपकी यात्रा अधूरी ना रह पाए, इसलिए हम बाहर से रास्ते से गेट जो है वहाँ से आपको दिखाएंगे कि आप यहाँ से जाते हैं रुक्मणी जी के मंदिर पर। वहाँ से अंदर 1 किलोमीटर ही है, हम पहले गए हैं इसलिए इस बार नहीं जाएंगे, और द्वारका मंदिर का बाहर से ही आपको दर्शन करा देंगे, क्योंकि अंदर तो मोबाइल अलाउड नहीं है, शूटिंग उतरना अलाउड नहीं है, फोटोग्राफी नहीं कर सकते हम, इसलिए बाहर से ही आपको ध्वजा के दर्शन करवाएंगे। तो बने रहिए फ्रेंड हमारे साथ। फ्रेंड्स, ये रुक्मणी मंदिर है, और हमने आपको बोला था ना कि कृष्ण के दर्शन करें और रुक्मणी जी के दर्शन ना करें तो चार धाम की यात्रा भी व्यर्थ है। इसके ध्वजा के दर्शन भी अमूल्य है, भाग्य में हो उसे ये ध्वजा के दर्शन होते हैं। दर्शन आई थी झर खाता है नहीं आती थी गुफा में। फ्रेंड्स, ये द्वारका मंदिर है, और जो हम आपको बताने जा रहे थे कि जो ध्वज की पूजा की जाती है वो ये ध्वज है, और ये 52 गज का ध्वज होता है। फ्रेंड्स, 52 गज और इसे जब ये ध्वज उतारा जाता है तो ये प्रसादी में घर लोग ले जाते हैं। दिन में चार से पांच बार ये ध्वज बदलता है, और ये ध्वज जो घर ले जाता है, जो उसका छोटा सा टुकड़ा होता है वो भी ले जाएगा तो भी चलेगा, अगर वो पूजा में रखेगा तो घर में सुख समृद्धि और धन की वर्षा होगी, ऐसा कहावत है। फ्रेंड्स, तो यही है द्वारका मंदिर की श्रद्धा कहते, भक्ति कहते, क्या बोलते हैं उसे। और ये है ब्रिज जो नया बनाया है अभी। इस ब्रिज के उस पार ये जो टापू जैसा दिख रहा है उसमें 5 कुंड है, उसमें 5 अलग अलग टाइप के पानी होते हैं, खारा, मीठा, वैसे नमकीन, इस तरह के गर्म, ठंडा, इस तरह के 5 कुंड है, और वो कुदरती है और बनाया नहीं है, धरती से ही ऐसा पानी निकलता है। वो साक्षात जो क्या बोलते हैं, पर्चा बोलते हैं, क्या हिंदी में बोलते हैं, भगवान का इस कलयुग में साथ साथ भगवान वहाँ पर कुंड में विराजमान होते हैं।
तो यही है फ्रेंड्स द्वारका, और अंदर तो मोबाइल ले जाने की मनाही है, इसलिए हम आपको यहाँ से ही दिखाते हैं। जय द्वारकाधीश। तो हम अब दर्शन करके आएंगे द्वारका मंदिर के फ्रेंड्स।